आज मैं दिवाली में बची हुई खीर और मिठाई से तीन बहुत ही आसान रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ जो सभी को पसंद आएगी। इसको कोई भी बना सकता है और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए फटाफट ये मजेदार रेसिपीज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बेसन का लड्डू। तो 1 कप बेसन से लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले 1/4 कप देसी घी लेंगे और मेल्ट करके देसी घी लेंगे। तो पूरा घी पैन में नहीं डालेंगे, लगभग 2 टेबल स्पून घी मैं पैन में डाल रही हूं। अब इसमें डाल देंगे 1 कप बेसन। बेसन मोटा महीन कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सूजी यानी कि रवा। अब लो फ्लेम पर चलाते हुए इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। ऐसे अच्छे से प्रेस करते हुए लम्स को खत्म करते हुए इसको लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। करीब 5 मिनट हो गया है इसको भूनते हुए, तो लगभग 1 टेबल स्पून देसी घी और डाल देंगे। एक साथ पूरा घी नहीं डालेंगे और 1 कप बेसन के लिए सिर्फ 1/4 कप घी का ही यूज करेंगे। तो इसको लो फ्लेम पर ही भूनते हुए लगभग 10 मिनट हो चुका है और कलर देखिए कितना चेंज हो गया है। तो अब इसमें ये बचा हुआ घी डाल देंगे। तो पूरा 1/4 कप घी इसमें पड़ चुका है। 5 मिनट के करीब और भून लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर या फिर हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कलर के लिए कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। ऐसे ही जो बेसन का रियल कलर है बस वही रहेगा। तो इसको भूनते हुए लगभग 15 मिनट हो चुका है और बेसन देखिए बहुत अच्छे से भून चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो जब बढ़िया से खुशबू आने लगे और इस तरह से कलर चेंज हो जाए तो समझिए कि बेसन अच्छे से भून चुका है। अब फ्लेम कर देंगे बंद। अब इसको किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे जिससे ये ठंडा हो जाए। अभी बहुत ज्यादा गर्म है तो थोड़ा सा हमें ठंडा चाहिए, जितना कि हाथ छूने पर जले नहीं। बेसन को भूनने में 14 से 15 मिनट लगा है, क्योंकि बेसन कम था तो जल्दी से भून गया, और अगर आप और ज्यादा बेसन लेंगे तो और समय लगेगा। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैंने यहाँ पर लिया है दिवाली में बची हुई चीनी की मिठाई। इसको हाथी घोड़ा भी बोलते हैं। तो ये चीनी की मिठाई दिवाली में बची हुई है। इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लूंगी और इसका एकदम महीन पाउडर नहीं तैयार करना है, थोड़ा सा कोर्सली रखना है। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ इलायची का दाना, तो थोड़ा सा पाउडर भी डालूंगी और थोड़ा सा साबुत इलायची का दाना भी डालूंगी इस तरह से। तो ये छोटे छोटे इलायची के दाने जब मुंह में पड़ते हैं ना तो खाने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप चाहे तो सिर्फ पाउडर भी डाल सकते हैं। तो 2 इलायची का दाना इसमें मैं इस तरह से अलग करते हुए डाल दे रही हूँ और साथ में थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल दे रही हूँ। अभी ये काफी गर्म है, थोड़ा सा और ठंडा हो जाए फिर हम इसमें मीठा ऐड करेंगे। अभी भी गर्म है लेकिन बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, बस हाथ से मैं छू ले रही हूँ। अब इसमें डालूंगी ये चीनी की मिठाई से जो तगार तैयार की हूँ इसको। तो इसको देखिए मैंने महीन नहीं किया है और इसका वीडियो मैंने चैनल पर डालकर रखा है कि किस तरह से इसका तगार यानी कि बूरा तैयार करना है। तो देखिए इस तरह से दरदरा है और ये एकदम तगार का ही काम करेगा। तो 1/4 कप, 1/4 कप घी था और 1/4 कप इसको लेंगे। अगर आप मीठा बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो 1 टेबल स्पून और ले लीजिए। तो ये मेरा कप 1/3 कप है और ये 1/4 कप है। तो इससे मैंने घी लिया था इसीलिए इसमें ये मिठाई का पाउडर यानी कि ये मिठाई का तगार डाली हूँ। अब अच्छे से मिला लेंगे और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तभी आप इसमें चाहे तो चीनी का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन लड्डू थोड़ा सा दानेदार होता है जब हम तगार या बूरा ऐड करते हैं। तो जब बेसन ठंडा हो जाए बिल्कुल हल्का गर्म रहे कि मतलब हम इसको छुए तो हाथ ना जले, उतना ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसमें मीठे के लिए कुछ भी ऐड कीजिए। अगर गरम गरम बेसन में ऐड कर देंगे तो फिर चाशनी जैसा हो जाएगा, गीला गीला बनेगा लड्डू। अब जिस साइज का आपको लड्डू बनाना है उस साइज का लड्डू बना लीजिए। तो इस तरह से बेसन का लड्डू दिवाली में बचे हुए मिठाई से बनकर तैयार हो गया है।
इस तरह से सारा लड्डू बनाकर रख लेंगे। तो देखिए बहुत बढ़िया ये बेसन का लड्डू बनकर तैयार हुआ है। इसको देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि ये घर पर बना है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो जैसा मैंने वीडियो में बताया है सेम वही मेजरमेंट आप लेंगे तो आपके भी लड्डू बहुत बढ़िया बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से दिवाली में अगर आपके घर में भी मिठाई बची है तो वो भी यूज में आ जाएगी और इस तरह से लड्डू भी बनकर तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें मार्केट का तगार डालकर भी ये लड्डू बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल धान की खील अच्छी तरह से साफ करके लिया है। तो ये धान की खील हमें चाहिए, तो इसके लिए पैन में लगभग एक टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। कोई भी कुकिंग ऑयल ले लीजिए आप। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें मूंगफली का दाना डाल देंगे। आप अपनी पसंद अनुसार कम ज्यादा ले लीजिए। अब लो फ्लेम पर इसको अच्छे से क्रिस्प होने तक हमें भून लेना है। तो मूंगफली के दाने को मैं साइड में कर दी थी और सारा ऑयल इधर आ गया था, तो इसमें आधा छोटा चम्मच साबुत धनिया और आधा छोटा चम्मच सौंफ डाल दी हूँ। अब दो से तीन सूखी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार सभी चीजों की मात्रा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं और फ्लेम एकदम लो रखेंगे जिससे मूंगफली का दाना जले नहीं, और जब ये चटकने लगे तभी इसको साइड में कर देंगे। मैं इसी पैन में ही रहने दे रही हूँ इसको, क्योंकि पैन बड़ा है। आप चाहे तो मूंगफली के दाने को निकाल लीजिए, फिर इसमें सौंफ और साबुत धनिया डालिए। तो धनिया और सौंफ का देखिए कलर चेंज हो चुका है और ये क्रिस्प हो चुका है। तो अब इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा और थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो जीरा जल्दी चटक जाता है इसलिए मैं लास्ट में डाल रही हूँ। और अब तुरंत इसमें डाल देंगे थोड़ा सा किशमिश। पसंद है आपको तो ही डालिए किशमिश, और एकदम लास्ट में डालिएगा क्योंकि किशमिश भी बहुत जल्दी से जल जाता है। तो सारी चीजों को मिला लेंगे एक में, मूंगफली के दाने को और इन सभी चीजों को। और अब इसमें ये धान की खील डाल देंगे, और आपके पास करी लीव्स है तो करी लीव्स भी इसमें डाल सकते हैं। चाहे तो फ्रेश करी लीव्स डालिए, चाहे तो ड्राई वाला। फ्लेम एकदम लो रखेंगे जिससे सारी चीजें जलने ना पाए, और इसमें सभी चीजों की मात्रा आप अपनी पसंद अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सिर्फ मैं इसको कलर के लिए डाल रही हूँ, ये हल्का तीखा होता है तो इसको मैं सिर्फ कलर के लिए डाल रही हूँ, और हल्का सा तीखा भी होगा तो बीच बीच में चलाते भी रहेंगे जिसे जले नहीं। तो इसको करीब 5 मिनट तक हम लो फ्लेम पर अच्छे से क्रिस्प कर लेंगे, क्योंकि धान की खील होती है ना वो एकदम सॉफ्ट हो जाती है। तो अच्छे से इसको क्रिस्प करेंगे, कुरकुरा करेंगे, तभी ये नमकीन खाने में ज्यादा टेस्टी लगेगी। और फ्लेम लो पर ही रखेंगे जिसे सारी चीजें जलने ना पाए। बहुत अच्छे से धान की खील क्रिस्प हो चुकी है, ये देखिए। इस तरह से तोड़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ। अब इसमें डाल देंगे एक टेबल स्पून पिसी हुई चीनी। तो मैं पिसी हुई चीनी नहीं डाल रही हूँ, मैं इसमें कल जो मिठाई से तगार बनाई थी ना वही तगार डाल दे रही हूँ। और चीनी के तगार या चीनी के बुरे की रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो इंडस्क्रीन में लगा दूंगी। तो चीनी डालने से नमकीन थोड़ी मीठी रहेगी, और इसमें हम चाट मसाला डाले हैं तो खट्टी मीठी भी होगी। इसमें अभी तक हम नमक नहीं डाले हैं, तो लगभग आधा छोटा चम्मच काला नमक और 1/4 छोटा चम्मच के करीब सादा नमक, क्योंकि इसमें हम चाट मसाला भी ऐड किए हैं। तो नमक भी आप अपनी पसंद अनुसार ऐड कर लीजिएगा। तो सभी चीजों को अच्छे से मिला लिया है मैंने। तो ये हमारी धान के खील की नमकीन फटाफट बनकर तैयार हो गई है। बस इसको एयरटाइट डिब्बे में रखिएगा जिससे इसमें हवा ना जाने पाए। तो धान की खील वैसे तो एकदम सॉफ्ट हो जाती है, उसको खाना कोई पसंद नहीं करता है। तो इस तरह से धान की खील की नमकीन बनाकर रख लीजिए। तो इसको सुबह शाम चाय के साथ खाएं, या जब भी कुछ तीखा चटपटा खाने का मन हो तो ये नमकीन खा सकते हैं।
तो इस दिवाली अगर आपके घर भी धान की खील बची हुई है तो इस तरह से नमकीन बनाकर रख लीजिए, सभी लोग पसंद करेंगे। दिवाली में हम सभी के घर धान की खील आती है और ये बच भी जाती है, क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाती है तो इसको जल्दी खाना कोई पसंद नहीं करता है और इसको साफ भी करना पड़ता है। साफ करने का क्या मतलब है कि इसमें जैसे ये धान है, किसी किसी खील में देखिए धान लगा होता है, तो इस धान को निकालना पड़ता है। और अगर हम धान को बिना निकाले खा लेंगे तो गले में फंसने लगता है और मुंह में चुभने लगता है। तो धान को पहले अच्छे से साफ किया जाता है, फिर खाया जाता है। तो आज मैं इसी से इतनी बढ़िया रेसिपी आपको बताऊंगी कि जिसको आप चाहे तो नाश्ते में खाएं या टिफिन में ले जाएं या जब भी कुछ तीखा चटपटा मजेदार खाने को मन हो तो फटाफट बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग एक बाउल धान की खील अच्छी तरह से साफ करके रखा है और इस वाले बाउल से मैं धान की खील ली हूँ और इसको धान की खील और धान का लावा भी बोला जाता है। तो इसको हम डाल देंगे मिक्सी जार में। अब लेंगे सूजी, तो मोटी महीन कोई भी सूजी ले लीजिए और इसी बाउल से लगभग एक बाउल धान की खील थी तो इसी बाउल से एक चौथाई बाउल सूजी भी मैंने लिया है। अब इसको हमें ग्राइंड कर लेना है। तो इस तरह से मैंने इसको एकदम महीन पीस लिया है, जितना महीन हो सके उतना महीन कर लीजिए। अब इसको बाउल में खाली कर लेंगे। तो ये तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका गाढ़ा घोल तैयार करना है। तो एक साथ ज्यादा पानी ना डालें। पानी डालने के बाद अब इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून खट्टी दही। अगर आपके पास ताजी दही है तो दो से तीन टेबल स्पून भी ले सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, एक से सवा छोटा चम्मच नमक और लगभग एक टेबल स्पून सफेद तिल और थोड़ा सा साबुत जीरा। तो दोनों चीजें मिलाकर लगभग एक टेबल स्पून है। अच्छी तरह से मिला लेंगे सभी चीजों को। अब सबसे लास्ट में इसमें डाल देंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। तो बहुत ज्यादा चीजों का यूज इसमें नहीं करेंगे। धनिया पत्ती अगर है तो जरूर डालिएगा क्योंकि इससे स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो बस इसका पेस्ट देखिए, ना बहुत ज्यादा गाढ़ा चाहिए और ना बहुत ज्यादा पतला, इस तरह से चाहिए। जैसे इडली या डोसे का पेस्ट होता है उस तरह से रखेंगे इसको। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। अब कोई नॉनस्टिक पैन लेंगे और गैस पर चढ़ा देंगे। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल या फिर बटर डालकर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो जब पैन अच्छे से गर्म हो जाए तो ये पेस्ट लेंगे और एक एक चम्मच पेस्ट इस तरह से डालेंगे। आप चाहे तवा लीजिए चाहे पैन लीजिए। अब इसके ऊपर डाल देंगे टमाटर छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, और टमाटर का बीज मैंने निकाल दिया है। शिमला मिर्च छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, शिमला मिर्च का बीज भी मैं निकाल दी हूँ। तो इस तरह से टमाटर प्याज शिमला मिर्च इस पर लगा देंगे। स्वीट कॉर्न भी अगर आपके पास है तो लगा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए। इस तरह से लगाने के बाद अब इसको ढक देंगे और फ्लेम एकदम लो रखेंगे। तो एकदम लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे सफेद तिल भी डालना था तो अभी डाल दे रही हूँ। अभी सिर्फ 1 मिनट हुआ है इसको पकते हुए, तो थोड़ा सा सफेद तिल डालने से ना इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा और ये देखने में भी अच्छा लगेगा। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च मत डालिए, स्किप कर दीजिए। तो इस तरह से ये देखने में भी अच्छा लगेगा और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो लगभग 4 मिनट हुआ है तो देखने से लग रहा है कि ये कलर चेंज हो गया है, और इस तरह से जब मैं इसको छू रही हूँ तो ये हाथ में लग नहीं रहा, चिपक नहीं रहा है। तो इसका मतलब अच्छे से पक चुका है।
अब इधर से थोड़ा सा ऑयल इस तरह से लगा देंगे, हल्का हल्का ऑयल डाल देंगे और अब इसको हल्के हाथ से पलट देंगे। इसमें सूजी जरूर ऐड कीजिएगा, सूजी अगर आप नहीं ऐड करेंगे तो ये अच्छे से नहीं बनेगा, एक में चिपक जाएगा, तो इसलिए सूजी जरूर ऐड करना है। अब इसको पलट देंगे। और इसको बनाने के लिए कोशिश कीजिए कि नॉनस्टिक तवा ही लीजिए, नहीं तो फिर चिपकता है। अब इसको दूसरे तरफ से लगभग 2 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे जो हम इसमें सब्जियां डाले हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं। तो 2 मिनट ढककर पकाएंगे, अब 1 मिनट के लिए खुले में पकाएंगे। अब इसको संभाल कर निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत बढ़िया ये बना है। तो हमारा ये बहुत बढ़िया नाश्ता बना है। दिवाली में बची हुई खीर से इस तरह से आप भी बहुत ज्यादा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं, चाहे तो बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। तो सारी सब्जियां बहुत अच्छे से पक चुकी हैं और ये नाश्ता देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस दिवाली अगर आपके घर धान की खीर बची हुई है तो आप भी फटाफट ये सुपर टेस्टी और हेल्दी नाश्ता तैयार कर सकते हैं। तो आपको इसमें से कौन सी रेसिपी ज्यादा पसंद आई कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।